मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवी ब्लॉग्स में। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 के आसपास। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी लुधियाना टू उत्तराखंड। तो देवभूमि उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं हम, ऑल सेट ऑल पैक्ड। ठंड तो अभी ठीक ठाक है, मेन हाईवे पे जाके पता लगेगा, अभी तो हम गलियों में घूम रहे हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं जगाधरी के आसपास। यहाँ से जगाधरी है 36 किलोमीटर और रुड़की है करीबन 100 के आसपास और हरिद्वार 126 किलोमीटर। तो पहले आएगा जगाधरी, फिर रुड़की, फिर पहुंच गए हम हरिद्वार। तो ये रास्ता थोड़ा ऐसा है, देखो वन वे आ गया है, ज़्यादा तेज चला नहीं सकते। अभी हम रुके हैं यहाँ पर, यहाँ ठंड से होगी हमारी मारे न्यारे। ठंड बहुत है भाई, ठंड बहुत है। देखो क्या पहन के, पजामा पहन के जा रहा हूँ, पजामा पहन के जा रहा है ये। इसमें पजामे के अंदर पैंट पहनी हुई है, पैंट टाइट है तो पजामा तो अंदर आएगा नहीं, इसलिए चलते पजामा मतलब की बाहर पहन लेते हैं। और मैंने पैंट ऊपर पहनी हुई है, अंदर पजामा पहना हुआ है। और ये टोल प्लाजा है, यहाँ पर हम रुके हैं। ये हमारी बाइक, हमारा सेटअप, ये हमारा सेटअप है। अब अभी तक तो मैं बाइक चला रहा था, अब बाइक चलाएंगे हमारे सुमन भाई। हम लोगों के कपड़े चेंज, इनकी ड्राइविंग पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, बड़ा हरामी हो बेटा। पर चलो अब जैकेट चेंज हो रही है भाई, ये क्या बांधा हुआ तने भाई, बैग नहीं गिरेगा और क्या। ओह सुबह हो चुकी है, घर पे भी फोन कर देते हैं। अभी हम यमुनानगर से करीबन कितना पीछे है, 19 किलोमीटर शायद, इतना ही है, ज्यादा नहीं है। तो भाई लोग यहाँ पर रुके, हम पता नहीं कौन सी जगह है, रुड़की यहाँ से है करीबन 40-45 किलोमीटर दूर। और यहाँ पर सुमन भाई को कॉल पे कॉल आ रही है, पता नहीं किसकी कॉल आ रही है, भाभी की कॉल आ रही है शायद। समझ रहे हो ना भाई, किसकी कॉल आ रही है। उत्तराखंड पुलिस अमूल एस्टिमेट, और देखिए उत्तराखंड में आपका हार्दिक स्वागत है, धन्यवाद। तो गाइस ये रहा रुड़की 20 किलोमीटर, भगवानपुर 6 और हरिद्वार 41 किलोमीटर यहाँ से रह गया है। और डेस्टिनेशन पूरी होगी, मैं और सुमन भाई साथ में यहाँ तक पहुँच चुके हैं। काफी मजा आ रहा है, ठंड भी लग रही है पर काफी मजा आ रहा है। 3.5 घंटे का सफर हो गया हमारा, 3.5 घंटे का सफर हम पूरा कर चुके हैं, अभी धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे। और इधर देखिए खेत पूर, यहाँ पर मिला हमको 93.25 रुपए का पेट्रोल लीटर, तो टैंकी फुल कराने की सोच रहे हैं यहाँ पर भाई। भाई कितनी दूर से हमको पीछे खींच के लाया कि कहते यहाँ पर टैंकी फुल कराएंगे। क्या रेट है भाई पेट्रोल का, 93.25। ये देखो पंजाब से 2 रुपए कम है यहाँ पर। बहुत पैसा है भाई के पास, अंधा पैसा है, दिखता कैसे फिर।
सो फाइनली वी आर एट हरिद्वार, हरिद्वार पहुंच चुके हैं हम, और ये बोर्ड वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी, तो कुंभ सिटी में पहुंच चुके हैं हम, और अब आगे यहां से चलते हैं, तब तक के लिए आप व्यूज एंजॉय कीजिए। आप देख सकते हैं ये हरिद्वार में गंगा जी का घाट, हर हर गंगे, और यहाँ पर पुल पुराने, तो सामने करते ओम ओम नमामि गंगे, और ये हमारे सुमन भाई बाइक आगे पीछे करते हुए, भाई कह रहे हैं फोटो खींच। तो भाई साहब पीछे हमको काफ़ी देर से रोका हुआ था, एक गाड़ियों का काफ़ी लग गया, पता नहीं कौन जा रहा था हमको पक्का नहीं पता है, और उनके साथ काफ़ी गाड़ियां थी, उनके साथ एम्बुलेंस, फोन जैमर, वीआईपी कार्स, फायर ब्रिगेड से लेके पुलिस की गाड़ियां, पता नहीं क्या क्या था। तो अभी निकल चुके हैं वहाँ से और आगे बढ़ रहे हैं ऋषिकेश की तरफ। आपका स्वागत करता है। ऐसा गंगा तो यहाँ सूखी हुई है जैसे कि आप देख रहे होंगे, बस यहाँ पर खेलने खालने की जगह है, बस पतंग उड़ा रहे लोग, मजे से पतंग उड़ा रहे लोग यहाँ नीचे, देखिए पानी नहीं है। यहाँ पर देखो राफ्टिंग होती है, ये भाई है, भाई क्या नाम है आपका? आशीष चौहान। यहाँ एंडिंग होती है राफ्टिंग, आशीष चौहान, यहाँ पर राफ्टिंग की एंडिंग होती है, मतलब स्टार्ट कहीं और से होता है, स्टार्ट अभी गाड़ी ये लेके जाते हैं, तो जब भी आओगे तो इनके पास आना, मैंने रिंग मार दिया, ठीक है, इनका नंबर हमने ले लिया, तो इनसे राफ्टिंग करवाएंगे। ओके थैंक यू ब्रो। गाइस ऋषिकेश में हम, और ऋषिकेश मशहूर है अपने योग के लिए, योगा कैपिटल है ऋषिकेश, यहाँ की क्या वर्ल्ड की योगा कैपिटल है, और राफ्टिंग के लिए भी बहुत मशहूर है, ऋषि मुनियों का इलाका या फिर कहें ऋषि मुनियों की जन्मभूमि ऋषिकेश, तो यहाँ पर जरूर आए, विजिट करें, राफ्टिंग एंजॉय करें, ट्रैकिंग एंजॉय करें, कैंपिंग कराते हैं यहाँ पर, और योग के लिए तो मशहूर है ही है, तो आइएगा जरूर और इंजॉय जरूर कीजिएगा। अभी आपको बंदर दिखाते हैं, ये देखिए ये इसका दोस्त है, हमारे सुमन भाई का दोस्त है ये। अभी आपको यहाँ से ऋषिकेश का व्यू दिखाते हैं, ऋषिकेश जो लक्ष्मण झूला है या राम झूला है, ये तो पता नहीं कौन सा झूला है ये। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। होती है ये क्रेन जो यहाँ रह के काम करती है, और दूसरी दिखाता हूँ आपको, वो दिख रही है कहाँ चढ़ी हुई है, थोड़ा ये देखो, इसको कहते काम, जब वहाँ से नीचे गिरी तो बस। अब बाइक चला रहा है तुम्हारा भाई, यानी कि मैं विकास सिंह, अब हमने सीटें स्वाइप कर ली है, अब ड्राइव मैं कर रहा हूँ, सुमन भाई पीछे आराम से बैठे कुरकुरे खा रहा है,
काउंटर को भूख लग गया था। ये नज़ारे देखिए आप, काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं। बहुत बढ़िया बिल्कुल हुई है, बस थोड़ा सा डर जो है फलन का डर जो रहेगा ही, जो पहाड़ों में अक्सर होता है क्योंकि अनसर्टेनिटी है भाई का, मुस्तर कहीं की कमी भी कहीं नहीं हो सकती है। थोड़ा संभल के जाएंगे और बाइक अभी चल चुकी है 315 किलोमीटर, 315 नहीं 317 लगा लो किलोमीटर। 2 घंटे 14 मिनट रह गए हैं पौड़ी पहुंचने को और टाइम हो रहा है 11:42। मतलब कि बहुत शिद्दतों के बाद ढाबा मिला है तो यहाँ पर हम खाना खाने के लिए रुके हैं। तो भाई क्या खा रहे हो अभी? ब्रेकफास्ट लंच जो भी था वो कर लिया हमने, तो खाना तो ठीक ही था। जगह का नाम है तीन धार जहाँ हमने खाना खाया है, रावत भोजनालय में। कैसा था भाई खाना? ठीक था। ठीक था भाई का मन नहीं भरा लग रहा मुझे, मन नहीं भरा हो गया, ठंडे लगने लग गया, टाइम हो गया है तो खाना तो हो गया, निकलते हैं। तो निकल पड़े हम तीन धार से खाना खुना खा के, अब चलते हैं आगे, टाइम भी बहुत हो गया भाई साहब, जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। अगर जल्दी घर पहुंचना पड़ेगा नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, ना फिर हम इस तरफ के ना उस तरफ के। तो भाई लोग अभी हमारे देवप्रयाग में, और आपको देवप्रयाग का व्यू दिखाते हैं जहां संगम होता है। ये देखिए इस तरह का दिखता है देवप्रयाग, काफी बढ़िया लोकेशन है। इधर से एक नदी आ रही, इधर से एक नदी आ रही है और एक सामने से आ रही है, दोनों मिलते हैं, गंगा बन रही है। नाम भूल गया मैं, पता नहीं क्या नाम था, नाम भूल गया मैं नदियों का, ये दोनों आ रही है मिलके गंगा बना रही है। तो ये वीडियो में काफ़ी देखा हमने, आज रियल में देख रहे हैं कि कैसा दिखता है, काफ़ी प्यारा है। देर हो जाए तो थोड़ा रुकते हैं यहाँ पर, बस चलो चलते हैं। हम श्रीनगर क्रॉस कर चुके हैं, देवप्रयाग से हम श्रीनगर की तरफ हो गए थे क्योंकि श्रीनगर का रास्ता छोटा था और देवप्रयाग का थोड़ा दूर पड़ना था हमको, तो हम इधर देवप्रयाग वाया श्रीनगर वाया शिफ्ट होके जाएंगे अपने गांव। पौड़ी का प्लान कैंसिल हो गया है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई यहाँ, तो पता नहीं क्या होगा, देखो चलो। और सामने देखो श्रीनगर, खूबसूरत श्रीनगर, श्रीनगर है ये जम्मू कश्मीर वाला नहीं, उत्तराखंड का श्रीनगर है ये।